أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जो जिंदगी का और मौत का और कायनात की और कायनात के अलावा भी हर चीज का मालिक है। मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, उनके लिए बहुत सारी दुआएं जो इस वक्त मुश्किल में परेशानी में घिरे हुए हैं। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला सब भाइयों की, सब बहनों की, सब बच्चों की हिफाजत करे और हमें माफ कर दे। बेशक ऐ अल्लाह तू सबसे बड़ा है और मैं सबसे कमतर हूँ। मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, लेकिन उनके लिए जो अल्लाह पर यकीन करते हैं, मोजज़ात यकीनन उन्हीं के साथ होते हैं। आप तारीख उठा के देख लें कि जिन्होंने अल्लाह से मोहब्बत की, जो अल्लाह के हो गए, तो अल्लाह उनके लिए यकीनन मोजज़ों का ज़हूर करता है। अगर किसी मेरे भाई बहन के जहन में ये है कि ये चीज़ नामुमकिन है, तो मुझे सिर्फ एक बार अपना और अपनी वालदा का नाम और साथ ही अपना मसला बयान करें, तो इंशाअल्लाह ताला मैं कुरान और हदीस की रोशनी में आपको उसका हल भी बयान करूंगा। और जिस तरह मैं बयान करूंगा, असल में वज़ायफ करने के, अमलियात करने के कुछ असूल और कुछ कायदे कानून होते हैं, तो वो भी आप लाजमी कीजिएगा। बल्कि मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी सेंड कर देता हूँ कि हमने कोई भी वजीफा और अमल किस तरह करना है। तो जो भी मेरे भाई बहन को कोई मसला हो, वो इसी तरह मुझे अपना सारा मसला बयान करे, तो इंशाल्लाह ताला जो सबसे बेहतर और बेहतरीन होगा, वो वजीफा और अमल मैं कुरान और हदीस की रोशनी में आपके साथ शेयर करूँगा। और अल्लाह ताला की रहमत से उसका रिजल्ट चंद दिनों में आप अपनी आँखों से देखोगे। मेरी बहुत सारी जिंदगी का हिस्सा अमलियात में ही गुजरा है और मैंने वो कुछ देखा है जिसका बयान करना शायद मुश्किल है। लेकिन एक बात मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूँ, जिस तरह लोग काला इलम करते हैं, जादू टूना करते हैं, तो उसका असर होता है, तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि जो इस पूरी कायनात का रब है, मालिक है, हाकम है, तो उसके कलाम में और माज़ल्लाह उसके नाम में असर ना हो? ये कभी हो नहीं सकता। अल्लाह का कलाम और अल्लाह का नाम बहुत बाबरकत है और हर चीज़ का हल कुरान पाक में और अहादीस में हमें मिलता है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आपको और मुझे, हम सबको सही मायनों में दीन इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको कुरान और हदीस पर चलने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आप सबके लिए जरूर दुआ करूँगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा सदका जारिया समझ कर। तो मिलते हैं जल्दी इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो और अमल के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।